education.com में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हीटिंग के सारे प्रॉपर्टी और साथ में फर्नेस के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम आर्क वेल्डिंग को देखेंगे, आर्क वेल्डिंग के जो टाइप्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक रहा वीडियो क्वालिटी का, तो हो सकता है कुछ दिन और प्रॉब्लम हो क्योंकि मैंने 26 को मदरबोर्ड ऑर्डर किया था, अभी तक वो डिलीवरी हुआ नहीं है। उसके बाद कल मैंने फिर से एक बार पेटीएम मॉल से भी ऑर्डर कर दिया है। अब पेटीएम मॉल का तो कल ही का दिखा रहा है डिलीवरी डेट, तो देख रहे हैं दोनों में से जो पहले पहुंच जाए और कोशिश करेंगे जो ये जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो क्वालिटी ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, वो तो जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के लिए टेक्निकल, फॉर एग्ज़ाम्पल SSC JEE ESC गेट वगैरह या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पेपर का, इसरो वगैरह का प्रीवियस ईयर लेक्चर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको BSPHCL का जो टोटल 12 पेपर है वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है शायद 70 के आसपास है एक क्वेश्चन का नंबर, तो 1 से लेकर के 70 तक का आपका सारा वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, सारा कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी तरह का डाउट रहे तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा 24 to 48 hours 24 से 48 घंटा के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब मिल जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज के लेक्चर को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का, ठीक है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा ये वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है जिसको हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे करके रखेंगे, निगेटिव सप्लाई हम लोग देंगे इलेक्ट्रोड को। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड के रूप में किसको यूज करेंगे, टंगस्टन। एक्चुअली इलेक्ट्रोड दो टाइप का यूज होता है, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो ये जो मेरा है टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। टंगस्टन के साथ साथ कार्बन भी मेरा एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। जहाँ पर भी ग्रेफाइट यूज होगा या फिर कार्बन यूज होगा हम लोग वहाँ पर आसानी से आग बंद करके बोलेंगे ये मेरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। मतलब इस इलेक्ट्रोड को ये सिर्फ आर्क प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर जाकर तो गलेगा नहीं, होगा खत्म नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक टंगस्टन टाइप का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो दूसरी बात है वो कि टंगस्टन को हम लोग निगेटिव सप्लाई दे करके रखे हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होल्डर है ये जो मेरा है ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाया गया, ये इलेक्ट्रॉन होल्डर है। इसको पकड़ करके हम लोग आसानी से इसको मूव करवाते हैं। मूव करवाने के साथ ये जो मेरा मटेरियल है वर्क पीस है वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद चिपक एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो ये मेरा जिसको हम लोग वर्क पीस बोलते हैं या फिर वो मेटल जिसको हम लोग को वेल्डिंग करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं एक हम लोग गैस रेगुलेटर रखे हुए हैं। यहाँ पर ये मेरा गैस सिलेंडर है जिसमें आर्गन बोल सकते हैं या फिर हीलियम जो भी मेरा इनर्ट गैस यूज होता है, इनर्ट गैस इसमें हम लोग यूज करते हैं। इनर्ट गैस इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो मेरा मेटल है पिघलने के बाद ये ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो फिर ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड बनाने के बाद ये जो पोर्शन है वीक हो जाता है। तो इसको हम लोग बचाने के लिए, इस एनवायरनमेंट को हटाने के लिए, ये जो मेरा ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनर्ट गैस यूज करते हैं। इनर्ट गैस में जनरली आर्गन यूज किया जाता है जो इसके रास्ते यहाँ पर बाहर निकलता है और यहाँ पर एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट बना लेता है। इसके अलावा हम लोग फिलर रॉड यूज कर सकते हैं। फिलर रॉड कहीं पर यूज होता भी है, कहीं पर यूज नहीं भी होता है। एक्चुअली फिलर रॉड का काम है इसके अंदर, एक्चुअली ये जो मेटल होता है, मेटल के अंदर अगर किसी तरह का अशुद्धि है जैसे कि फास्फोरस या सल्फर अगर इस टाइप का कुछ मटेरियल इसमें मिला हुआ है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है फिलर रॉड। इसके अलावा ये जो होता है इसको और स्ट्रॉन्ग मजबूती प्रोवाइड करता है। तो फिलर रॉड हम लोग कहीं पर यूज करते भी हैं और कहीं पर यूज नहीं भी करते हैं। ये सारा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट हो गया जिसका यूज हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में करेंगे और ये सारा कुछ अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ रहता है। उसके बाद आते हैं मेटल इनर्ट गैस पर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का भी प्रोसेस लगभग सेम है। किसी भी मतलब वेल्डिंग का, अगर हम आर्क वेल्डिंग का बात करें तो लगभग हर कोई का प्रोसेस लगभग सेम होता है। थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है, जैसे कहीं पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, कहीं पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो यहाँ पर टंगस्टन में नॉन कंज्यूमेबल था, अब यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ये कंज्यूमेबल वायर का बना हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और साथ में जो मेरा वर्क पीस है यहाँ पर वर्क पीस को निगेटिव रखा गया है। मतलब यहाँ पर जो करंट है हम लोग
रिवर्स पोलैरिटी के साथ जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो रिवर्स पोलैरिटी के साथ करते हैं। यहाँ पर मेरा ये जो था पॉजिटिव था टंगस्टन इनर्ट गैस में, पर यहाँ पर हम लोग अगर मेटल इनर्ट गैस की बात करें तो यहाँ पर जो वर्कपीस है उसको निगेटिव रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं वायर रील है, यहाँ से जो वायर है कंज्यूमेबल वायर है यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पर इसको आकर के मेल्ट करेगा, आर्क जनरेट करेगा और इसको मेल्ट करेगा। इस हम लोग जो इलेक्ट्रोड है जो यहाँ पर वायर रील के फॉर्म में है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग यहाँ पर ड्राइव रोल के जरिए जोड़ करके रखे हैं, जो इसको आगे की ओर जैसे जैसे ए मतलब कंज्यूम करेगा इसको आगे की ओर बढ़ाते रहेगा, और यहाँ पर जो है इसको हम लोग पॉजिटिव कर करके रखे हैं, तो ए मेरा पॉजिटिव हो जाएगा वर्क पीस। और आर्गन का यहाँ पर गैस जो इनर्ट गैस है वो इन्वायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि किसी तरह का ऑक्साइड यहाँ पर न बना ले। ए वेल्डिंग टॉर्च है जिसके सहारे पकड़ करके इसको आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप रिवर्स सप्लाई यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेरा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर किसी तरह का कोई शील्डिंग वगैरह नहीं किया हुआ रहता है, इसको हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग थोड़ा सा इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर जो मेरा टंगस्टन इनर्ट गैस था उन दोनों से थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर हम लोग शील्डिंग फ्लक्स यूज करते हैं। शील्डिंग फ्लक्स का काम क्या होता है, शील्डिंग फ्लक्स आर्क को स्टेबलाइज करता है, एटमोसफेयर से इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि वही ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं बनने देता है। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे जैसे मतलब इसको वर्कपीस के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं ये जो वायर इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड यहाँ पर भी कंज्यूमेबल होगा। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड सिर्फ टंगस्टन इनर्ट गैस में होता है और साथ में कार्बन का जो हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग उसमें होता है। तो यहाँ पर जो है ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के साथ साथ ये भी जो यहाँ पर शील्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है ये भी कंज्यूम होता है, और कंज्यूम होने के बाद यहाँ पर इससे जो गैस जनरेट होता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से बचाता है, ठीक है। यहाँ पर शील्डिंग गैस इसके वजह से बनता है, इस शील्डिंग फ्लक्स की वजह से। इसके अलावा ये जो फ्लक्स है यहाँ पर जो मेटल मेल्ट करता है, तो मेल्ट करने के बाद इसके साथ स्लैग बनाता है, इस मेल्ट मेटल के साथ स्लैग बनाता है, स्लैग इस मेल्ट ऊपर के मेल्ट मेटल के ऊपर आकर के इस तरह से तैरते रहता है। ये जो स्लैग है इस मेल्ट मेटल को इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आने से रोकता है। तो यहाँ पर दो दो फायदा यहाँ पर क्लीन देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर गैस बना रहा है, दूसरा आर को मतलब ऑक्सीजन से बचा रहा है, दूसरा यहाँ पर जो स्लैग बन रहा है उस स्लैग से भी वो स्लैग इस मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से बचा रहा है। यहाँ पर हम लोग एसी या डीसी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद इसको हम लोग बढ़ाते रहेंगे और वर्कपीस जो मेरा जो है पिघलता रहेगा। एसी डीसी दोनों यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट समर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। समर्ज आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनुलर फ्लक्स यूज करते हैं। इस फ्लक्स का क्या यूज है, तो ये फ्लक्स जो होता है ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर एटमोसफेयर को, एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है उससे इसको रोकता है और साथ में स्टेबलाइज करता है आर्क को। तो एक्चुअली ये जो ग्रेनुलर फ्लक्स होता है ये जैसे जैसे वेल्डिंग करते हैं हम लोग ये इस पर आकर के धीरे धीरे गिरता रहता है, जब इस पर मेल्ट करता है, जब मेटल मेल्ट करता है तो उसके साथ मिल जाता है और साथ में क्या बनाता है, सैक बनाने में काम आता है। ये जो यहाँ पर जो मेल्ट मेरा जो मेटल है उसके साथ सैक बनाता है। इसके अलावा हर तरह से मतलब इन्वायरमेंट को बचा रहा है। उसके अलावा इसमें एक और रहता है फ्लक्स रिकवरी ट्यूब, हम लोग यूज करते हैं। ये फ्लक्स रिकवरी ट्यूब क्या करता है, फ्लक्स रिकवरी ट्यूब अगर यहाँ से मतलब ये जो मेरा ग्रेनुलर फ्लक्स है अगर यहाँ पर रिमेनिंग बचता है तो उसको फिर से ये रिटर्न वापस ले लेता है ताकि हम इसको फिर से यूज कर सके, मतलब अनयूज्ड जो ग्रेनुलर फ्लक्स होता है उसको ये फिर से वापस रिटर्न खींच लेता है अंदर की ओर। यहाँ पर मेरा वायर रील है और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एसी तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में डीसी रिवर्स पोलैरिटी यहाँ पर यूज करते हैं। अगर डीसी यूज करना हुआ तो फिर इसमें भी समर्ज आर्क वेल्डिंग में भी रिवर्स ही यूज करेंगे। यहाँ पर मेरा देख रहे हैं इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ड्राइव रोलर है जिसके सहारे धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता रहता है और वेल्डिंग की प्रक्रिया होते रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन आर्क वेल्डिंग का, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन मेरा एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मेरा ये वर्कपीस है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो मेरा पोलैरिटी रहता है डीसी का, एसी या डीसी दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डीसी का पोलैरिटी है वो हमेशा निगेटिव और एक पॉजिटिव ही रखना चाहिए। अगर यहाँ पर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने से जो कार्बन का जो अवशेष बचता है वेल्डिंग के बाद वो कार्बन आकर के इस मेल्ट जो मटेरियल रहेगा मेरा उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होने से इसको ये वीक बना देता है।
तो यहाँ पर जो पोलरिटी है हमेशा निगेटिव और इसको पॉजिटिव रखा जाता है, मतलब सही डायरेक्शन यूज किया जाता है। आर की स्टेबिलिटी के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आते हैं, अगर हम बात करें एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का, तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में एक तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर यूज करते हैं, और यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का होता है, तो ये भी मेरा नॉन कंज्यूमेबल के कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर जो फिलर रड है, फिलर रड का काम फिर से वही है, यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। फिलर रड इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में मेटल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 200 टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, 200 टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। यहाँ पर इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो वर्कपीस है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट आने से आर्क जनरेट नहीं होता है। यहाँ पर जो आर्क जनरेट होता है इन दोनों के बीच में होता है, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच आर्क जनरेट होता है, उस आर्क से इसको हम लोग पिघलाते हैं, ठीक है। जब ये फ्यूज हो जाता है, जब मेल्ट करता है, तो मेल्ट करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा हीट को कम करते हैं, ये जुड़ते जाता है, या फिर इसको हम लोग वर्कपीस को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वेल्डिंग होता जाता है। इसमें जो टेम्परेचर पहुँचता है वो करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ पर ये मेरा इंसुलेटिंग हैंडल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का। तो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में प्रोसेस लगभग सेम है, यहाँ पर हम लोग सिलेंडर गैस यूज करते हैं फ्लक्स कोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर में ही फ्लक्स कोर है मेरा। फ्लक्स कोर का काम पीछे हम लोग बता चुके हैं, आर्क को स्टेबलाइज करता है, साथ में ऑक्सीजन जो यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन का जो एटमोसफेयर है उसको रिमूव करता है। यहाँ पर गैस जो बन रहा है, जनरेट जो हो रहा है, वो ऑक्सीजन का जो एटमोसफेयर है उसको रिमूव करेगा, और साथ में रिएक्शन होने से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से रोकेगा। आर्क को भी स्टेबलाइज करता है, ये मेरा जो फ्लक्स है आर्क को स्टेबलाइज करता है। ये मेरा स्लैग है, स्लैग को हम लोग बाद में आसानी से हटा लेते हैं। स्लैग का काम क्या होता है, वो भी इसको एटमोसफेयर से, जो पिघला हुआ मेटल है उसको एटमोसफेयर से बचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सारा का, एक बार हम लोग क्विक व्यू देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा